हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स आई एम सागर एम काजल आज Hello. हम रिएक्शन करने वाले हैं व्हाट विल वुमन गेट इन जन्नत तो महिलाओं को क्या मिलेगा जन्नत में ये सजेस्ट किया है हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो मेरे ख्याल से किसके लिए किया होगा <laughs> ओह मेरे लिए मैं तो जन्नत में जाने को बहुत तadai में अभी तो मैं अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में अरे जन्नत में जाने के लिए लोग कितने तरस रहे और तुम तो ओ, ये मुझे अभी आपका क्या मतलब है मैं अभी जाऊँ नहीं नहीं मत जाओ अभी मुझे छोड़ मत जाओ तो चलो वीडियो शुरू करते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आसिफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी वी हंसी टी वी हाँ सबसे पॉपुलर चैनल दोस्तों इस्लाम एक मुकम्मल दीन है इस कदर मुकम्मल के इंसानों के हकूक से लेकर जानवरों के हकूक भी इस दीन ने हमारे सामने वाजे तौर पर रख दिया है और औरत को जो मकामो मरतबा इस्लाम ने दिया है वो आज तक दुनिया का कोई मज़हब ना तो दे सका और ना ही दे पाएगा जिन बेटियों के पैदा होते ही अरब के ज़माने जालियत में लोग इनका पैदा होना अपनी शर्म और तोहन समझते थे इस्लाम ने इसे माँ बहन बेटी और बीवी की सूरत में मर्दों के बराबर हकूक दिए एक माँ की सूरत में इसके पाओं के नीचे जन्त रख दी मगर आज भी कुछ मुल्दी या दीन बाजार लोग मुस्लिम खात को गुमराह करने के लिए ऐसे सवाल जान बोझ कर करते हैं जिनके जवाब वो खुद बिना मुताल के ढूंढने और जानने की कोशिश करें ताकि गुमराह होकर इन्हीं की तरह लादीन हो जाए जब तक कि एक डॉक्टर मेडिकल की तालीम मुकम्मल ना कर ले इसे बीमार लोगों का इलाज करना नहीं आता इसी तरह से जब तक कोई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल ना कर ले इसे बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता लेकिन क्या इसी तरह से दीन इस्लाम को जाने और समझे बगैर खुद से गैर मुस्लिमों के इन ट्रिकी सवाल के जवाब जानने की कोशिश करना एक आम मुसलमान या खातान के लिए जानना भला कैसे मुमकिन है एक ऐसा ही सवाल जो मुस्लिम खुतिन से मुलदीन करते हैं कि हम जानते हैं कि इंसानों के मरने के बाद इनके नेक नेकमाल की बिना पर इन्हें जन्नत मिलेगी जहाँ मर्दों के लिए सत्तर हुरें मौजूद हैं इन्हें वहाँ पर हर तरह की आसाइशात और सहूलियात मयसर होंगी लेकिन जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा क्या इनके लिए वहां कोई इनाम नहीं है जैसे कि मर्दों के लिए तुम्हारा अल्लाह भला इस तरह की नासाफी तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है वगैरह वगैरह इस सवाल का सादा सा जवाब तो यह है कि जो कुरान पाग ने जगह जगह पर बयान कर दिया है कि जन्नत में मर्दों और औरतों को अकेले अकेले नहीं बल्कि जोड़ों या कपल की सूरत में रखा जाएगा जाहिर है कि इस जवाब में ये बात छुपी है कि खातन का जोड़ा मर्दों के साथ बनेगा और औरतों को मर दिए जाएंगे इंसानी नफसियात के बाद तक ऐसे हैं जिनकी वजह से मर्द औरतों के मोहताज होते हैं जबकि अल्लाह तला ने को ये फजीलत दे रखी है कि वो नफसियाती तौर पर मर्दों की इन जरूरियात की वजह से मोताज नहीं होती औरतों को मर्दों की जरूरत ज्यादातर सोशली या इकोनॉमिकली तौर पर होती है जन्त की जिंदगी में ना तो कोई मौसी मसला होगा और ना ही कोई सोशल इशू इसलिए औरतों को मर्दों की जरूरत इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से मर्दों को औरतों की होगी सो नतीजे के तौर पर औरतों की कदर मंजिलत बढ़ जाएगी जन्नत में दाखिल होने वाली औरतों को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कमारी हालत के अंदर जन्नत में दाखिल होंगी जनती खवातीन अपने शोरों की हम उमर होंगी और अपने शोरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी कुरानी मजीद में इन तमाम बातों को सुरा अल वाकिया के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे वो अपने शोरों से मोहब्बत करने वालियाँ और इनकी हम उमर होंगी और ये सब कुछ दाहने हाथ वालों के लिए होगा इसके अलावा कुरने करीम में एक और जगह इरसाद होता है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां और तुम्हें खुश कर दिया जाएगा जन्नत में दाखिल होने वाली औरतें अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शोर की बीवियां बनेंगी मगर शर्त यह है कि उनके शोर भी जन्नती हों वरना अल्लाह ताला इन्हें किसी दूसरे जन्नती से निकाह करने की इजावत दे देंगे जिन्हें वो अपने लिए पसंद करें जिन औरतों के दुनिया में दो या तीन या इससे ज्यादा शोर रहे हों इनको अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा जिसे वो खुद पसंद करें और इसी के साथ रहेंगी हजरत उम्मे सलमा तआला तौना कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि के रसूल हम में से बाज औरतों के दुनिया में दो तीन या चार शोरों से एक के बाद एक निकाह करती हैं और मरने के बाद वो जन्नत में दाखिल भी हो जाती हैं और उसके सारे खामन भी जन्नत में चले जाते हैं तो इनमें से कौन इसका शोर होगा आप सल्ला वसलम ने फरमाया कि एमय सलमा औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतबाब करेगी और वो अच्छे अखलाक वाले मर्द को ही पसंद करेगी वो अल्लाह तला से गुजारिश करेगी कि अय मेरे रब ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा इखलाक से पेश आया लिहाजा इसे जन्नत में भी मेरे साथ ब्यादें जन्नत में हुरों से भी अफजल और अली मकाम नेक औरत को हासिल होगा और जिस मर्द को हुरें मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवी इन हुरों की सरदार होगी हजरतुम सलमा रज़ी रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्हु वसलम ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की होर आप सल अल वसम ने फरमाया कि दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल है जो अबरे यानी के बाहर दिखने वाले कपड़े को अस्तर यानि अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है चुनाचे अल्लाह तहले जन्नत के लिए नहमतों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया और वहाँ जिस नमत को तुम्हारा जी चाहेगा वो तुमको मिलेगी और जो चीज़ भी तुम तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी ये बख्शने वाली मेहरबान जात की तरफ से मेहमानी है दोस्तों इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है वो शादी है लिहाजा जन्नत में मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस ख्वाहिश का इंतजाम होगा जन्नत में औरत की शादी अल्लाह ताला दुनिया के शोर से कर देगा जैसा कि की शादी बारी ताला है की हमारे परवरदिगार इनको हमेशा की रहने वाली बिश्तों में दाखिल कर जिनका तू ने इनसे वादा किया है और जो इनके बाप दादा और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से नेक हों इनको भी बेशक तो गालिब हमत वाला है अगर किसी औरत ने दुनिया में शादी नहीं की तो ताला जन्नत के अंदर इसकी किसी ऐसे मर्द से शादी का इंतजाम करेंगे जिससे इसे आंखों की ठंडक नसीब होगी ये इन इनाम का मुख्तसर से भी मुख्तसर हिस्सा है जो कि जन्नत के अंदर औरतों को अता किए जाएंगे जन्नती औरत एक वक्त के अंदर सत्तर जोड़े पहनेगी जो कि मुमकिन है कि एक ही लिबास के सत्तर हिस्से हों जनती औरतें हसन व जमाल और हुसन सीरत के अतबार से भी बेमिसाल होंगी औरत के अंदर फितरी तौर पर हया का मादा मर्द की नस्बत बहुत ज्यादा है और वो वफादारी और मोहब्बत भी खालिस एक मर्द के लिए रखती है और हसन व जमाल और जीनत को पसंद करती है इन तमाम बातों की मुनासबत से ये जन्नत के अंदर ऐश करेंगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे इनकी आंखों ने ना तो कभी देखा और ना कभी इनके कानों ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा है सही मुस्लिम की से मुबारक के अंदर लफ्ज इबाद का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं जहां तक हुरों का सवाल है कुरानी करीम के अंदर इनका जिक्र तो आया है लेकिन इतनी ज्यादा तादाद के अंदर नहीं जितना कि हमारे यहाँ बयान किया जाता है बहुत से लोगों को यह जानकर शायद हैरत होगी कि पूरे कुरानी करीम के अंदर सिर्फ चार मकाम पर हुरों का जिक्र मौजूद है जैसे कि इर्शाद होता है कि यूं ही होगा और हम इनका निकाह कर देंगे बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से। इसके बाद एक और जगह इर्शाद होता है कि हम इनका निकाह बड़ी बड़ी और रोशन आंखों वाली हुरों से कर देंगे फिर इर्शाद होता है कि और इनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हुरें होंगी इतनी हसीन जैसे छुपा कर रखा हुआ मोती हो कुरानी करीम के बहुत से तर्जमा करने वाले उलमा कराम ने लफ्ज हु खसूस उर्दू तर्जमे के अंदर खूबसूरत औरतें या लड़कियाँ लिया है यानी कि दुनिया में जिसने अल्लाह को राज़ी किया अल्लाह ताला क्या के रोज़ अपना जन्नत का वादा पूरा करके इन लोगों को राज़ी करेगा इसीलिए अल्लाह ताला का यह फरमान दिलों को ठंडक पहुंचाता है कि और फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे लिहाजा खातीन इतमान रखें कि इन्हें जन्नत की हुरों जैसी किसी नेमत की, की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जन्नत की जिंदगी के अंदर खुद इनका वजूद ही एक नियमत से कम नहीं होगा और ये वो फजीलत है जो कि जन्नत के अंदर मर्दों को हासिल नहीं होगी अल्लाह ताला हम सब की बख्शीश और गुनाहों की मगफरत फरमाए और हमारा शुमार सबसे आगे चलने वाले और दाहिने हाथ वाले लोगों में फरमाए आमीन मुझे उम्मीद है कि आज तो ये दाहिने हाथ वाले लोग मतलब क्या होता है आप जरा कमेंट में बताइए हमें क्योंकि ये कुछ खास होते हैं क्या मतलब दाहिने हाथ के लोग मतलब नरक ऐसे अहमुल तनाडकते हां नर्क से हटते हैं नर्क से सब करते हैं वही हो क्या शायद दाहिना हाथ तो ठीक हाँ। है आप बताइए हाँ ऐसे तो नहीं पता चलेगा हमें हुँ। हुँ। और वीडियो बहुत अच्छे तो था हाँ। तो तो और तो के लिए क्या है और के लिए क्या है जन्नत में क्योंकि पता चलेगा हाँ। तो हम अल्लाह ने तो औरतों के लिए ज्यादा मेरे ख्याल से एक करके रखा है वैकेंसी ज्यादा यार तो <laughs> वैकेंसी नहीं अल्लाह के हमारी भाषा में हमारे अच्छे अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलते औरतों के लिए ज्यादा डिस्काउंटिंग डिस्काउंट नहीं बोल सकते उसको क्या बोल सकते फिर ज्यादा टीएफ फैसिलिटी फैसिलिटी है। है। हाँ मतलब ज्यादा रहने को पहनने हाँ। को और एंजॉय करने को ज्यादा ही औरतों को औरतों को तो, को, तो बहुत अच्छा वीडियो था और अब इससे पता चलेगा कि जन्नत में क्या-क्या है मिलेगा हमें तो हम बहुत अच्छे काम करेंगे तो अब हम आप भी करिए हम भी करते हैं और फिर जन्नत में मिलेंगे तो अब मुझे अभी से जन्नत पे भेज रहे हैं <laughs> नहीं मैं तो ऐसे ही बोला था तुम्हें मुझे लगा आप मुझे दूर भगाने नहीं, नहीं मैं टाइटल का नाम बोल रहा था कि जन्नत में औरतों के लिए क्या-क्या है नहीं हसी तो टीवी का ये है वीडियो हाँ तो वीडियो तो बहुत अच्छा था आपको अच्छा और हसी टीवी की एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि हमें देख के बोर लगा हो सभी टी सभी वीडियोस एक नंबर होती है और विजुअल्स इनके बहुत देखने लायक होते हैं कि आप इनसे नजरें नहीं हटा सकते हंसी टीवी के ऐसी विजुअल्स होते हैं तो वीडियो तो अच्छा और बहुत अच्छा था आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए